हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक टॉपिक डाइस लेकर आया हूं। ये टॉपिक ऐसा है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलते हैं डाइस की ओर। डाइस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सामान्य पासा जनरल डाइस और दूसरा आपका मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। देखिए दोस्तों, कोई भी डाइस को पहचानने के तरीके क्या है कि वो सामान्य है कि मानक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दो फलक का योग, दो फलक, फलक मतलब सरफेस, दो फलक का योग इक्वल्स टू 7। यदि दो फलक का योग यदि 7 हो जाता है, मतलब वो आपका कैसा पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है, देखते हैं। आप सरफेस में जो अंक है उसको जोड़ दीजिए, 5 + 2 = क्या हो गया, 7। 7 हुआ, मतलब ये वाला डाइस आपका कैसा डाइस है, सामान्य पासा जनरल डाइस है। लेकिन दो फलक का योग यदि 7 नहीं आया, कोई भी दो दो अंक को जोड़ते जाइए, 7 नहीं आया, मतलब वो आपका मानक पासा हो जाएगा। देखिए, ये हो गया आपका 2 + 4 = 6, नहीं आया। अगला 4 + 1 = 5, अगला 1 + 2 = 3। 7 आया क्या, नहीं आया। नहीं आया मतलब ये आपका क्या है, मानक पासा है। ओके दोस्तों, टाइप नंबर 1, यदि सिंगल डाइस दिया हो तो, प्रश्न में यदि सिंगल डाइस दिया हो तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डाइस सर्च करना है, मानक पासा। मानक पासा का मतलब ये है कि दो फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि आपको ऐसा मिल जाता है तो याद रखिएगा, पहला का अपोजिट मतलब 1 नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, मतलब जिनका योग 7 होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। 1 का 6, 2 में क्या जोड़े तो 7 हो जाए, 5, तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 में क्या जोड़े 7 हो जाए, 4, तो 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इस डाइस में 5 का अपोजिट अंक आपका क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। तो अंकों को जोड़ना है, दो दो अंकों को जोड़िए। ये हो गया 5 + 1 = 6, नहीं आया 7। 1 + 4 = 5, नहीं आया 7। 4 + 5 = 9, नहीं आया 7। मतलब ये डाइस आपका मानक पासा हुआ। अतः 5 का विपरीत, 5 में क्या जोड़े तो 7 हो जाए, 2, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि प्रश्न में सिंगल डाइस दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डाइस खोजना है। और स्टैंडर्ड डाइस नहीं मिला मतलब आपको क्या मिलेगा, जनरल डाइस मिलेगा, सामान्य पासा। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको सर्च करते हैं क्या स्टैंडर्ड डाइस है कि आपका जनरल डाइस है। तो ये जोड़े, 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 मिल गया, 7 मिला, मतलब ये डाइस आपका कैसा डाइस हुआ, सामान्य पासा हुआ। अब याद रखिए, सामान्य पासा मिलने पर आपको क्या करना है, किसी भी अंक का विपरीत अंक वह होगा जो उस डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें क्या पूछा है, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5, ये 2 और ये 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 अंक नहीं दिखाई दे रहा है, वो कौन कौन सा है, 1 है, और कौन सा है आपका, 3 है, और कौन सा है, और आपका 6 है। मतलब 5 का विपरीत अंक या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। समझ में आ रहा है आपको। आइए चलते हैं टाइप 2। यदि प्रश्न में आपको डबल डाइस दिया हो, दो ही डाइस हो और दोनों पासे के दो सरफेस इक्वल हो, तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा, जब दो डाइस के दो सरफेस इक्वल हो तो तीसरा डाइस एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। इसमें आपको स्टैंडर्ड डाइस खोजने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे ये दो डाइस दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है 4 का विपरीत अंक क्या होगा, तो देखिए 3 3 6 6, दो डाइस के दो सरफेस आपको इक्वल मिले, इसका मतलब जो तीसरा डाइस बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा। मतलब 4 का विपरीत अंक क्या बच गया, 1, तो 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 1। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यदि 3 का पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए 3 का विपरीत, तो याद रखिएगा दो डाइस के दो सरफेस इक्वल हो
और इक्वल नंबर में से किसी भी को पूछेगा तो आपका आंसर वह होगा जो दोनों पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब तीन का विपरीत क्या होगा, क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों में ना तो 1, 3, 6 और 4 ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको क्या नहीं दिखाई दिया, एक नहीं दिखाई दिया 2 और 1 नहीं दिखाई दिया 5। मतलब समान अंक को पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, 2 या फिर 5। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं टाइप 2 के अंदर ही डी नंबर। इसका मतलब यदि प्रश्न में आपको डबल डाइस दिया हो और उन दोनों डाइस का कोई एक सरफेस एक अंक आपका इक्वल मिले तो करना क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, दो डाइस है और इसमें पूछा गया है 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए ये 1 नंबर आपका दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, और कोई अंक कॉमन है क्या, नहीं है। इसका मतलब दो पासे के एक सरफेस इक्वल हो वाला रूल लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, समान अंक को पकड़कर घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए, क्या क्या नंबर मिला, 1 मिला, उसके बाद 2 मिला, उसके बाद 5 मिला, तो आप लिख दीजिए 1, 2, 5। अब आ जाइए इसमें, समान अंक क्या है 1, यहां से पकड़ के घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए, ये घुमा दिए, अब आपको क्या मिला 1, 6, 3, इसी के नीचे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 फिर 6 और ये 3। जो अंक जिसके नीचे आया वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का अपोजिट हुआ 3, 3 का अपोजिट 5, 2 का हो गया आपका 6, 6 का हो गया 2। अब देखिए यहां 1, 1 के नीचे 1 है, ऐसा तो संभव नहीं है। इसका मतलब 1 का अपोजिट अंक आपका वो मिलेगा जो इसमें अंक है ही नहीं, कौन सा नहीं है, 4। इसका मतलब 4 आपका क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत अंक हो जाएगा। सब मिल गए, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर दे सकते हैं। 6 का विपरीत क्या होगा पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। और इसमें क्या पूछा है, 1 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 1 का विपरीत अंक क्या निकाले हैं, 1 का विपरीत 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 में अगला है आपका सी नंबर। दो पासे के कोई भी सरफेस इक्वल ना हो तो क्या करेंगे, यहां दो स्थिति बनती है। कंडीशन नंबर 1, जब क्वेश्चन ऐसा रहे, ऐसा इन द सेंस मतलब ये है कि इसमें देखिए आपका दो डाइस है और पूछा है 5 का विपरीत अंक क्या होगा। अब सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या वो पासा स्टैंडर्ड डाइस का है, क्या स्टैंडर्ड डाइस है, यदि एक स्टैंडर्ड डाइस मिला तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको स्टैंडर्ड डाइस वाला रूल अप्लाई कर लेना है, मतलब पहला का लास्ट अंक 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। इन केस आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं मिला, ये आपका जनरल डाइस मिला, तो ऑटोमेटिकली बगल वाला भी आपका जनरल डाइस मिल जाएगा। देखिए ये डबल डाइस है, कोई भी अंक आपके समान नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या होगा, तो चेक करिए क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए 5 + 4 = 9, 4 + 1 = 5, 1 + 5 = 6, 7 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या पूछा है, 5 का विपरीत, तो 5 में ऐसा जोड़िए कि 7 हो जाए, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे, 2, तो 5 का विपरीत अंक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, यदि आपका डबल डाइस है, कोई भी अंक आपका समान नहीं है और आपको जनरल डाइस मिला, तो आपको क्या करना है, क्या पूछा है, जैसे इसमें 5 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 5 का विपरीत इस डाइस में है 5, तो इसमें क्या क्या और अंक है, 1 और 2 और है, इसका मतलब ये दोनों इसके विपरीत नहीं हो सकते और बाकी जो भी बच गए अंक वो उसका आंसर हो जाएगा। तो 5 इस डाइस में क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 6 है। ओके गाइस, बट याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में ये फंसाता है, ये ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 3, B 4, C 6 और डी में कुछ और दे दिया, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा, डबल डाइस, कोई भी अंक समान ना हो और आपको एक आंसर चूज करना है,
तो समान सतह वाले अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इसका मतलब जो सामने दिख रहा है वो सामने का विपरीत होगा, जो ऊपर में है वो ऊपर के विपरीत होगा, जो बगल में है राइट साइड में है वो राइट के विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में मुझे आंसर चूज करना पड़ गया। तो पांच कहां है, देखिए पांच टॉप में है, मतलब पांच का टॉप वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, फोर हो जाएगा। ओके गाइस, आइए चलते हैं टाइप थ्री। यदि प्रश्न में दो से अधिक डाइस दिया हो, तो तीन दिया हो, चार दिया हो, पांच दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो से अधिक मिल गया मतलब आपको करना क्या है। तो रूल नंबर पहला, डबल डाइस डबल सरफेस का रूल अप्लाई करिए, मतलब जब दो डाइस के दो सरफेस इक्वल हो तो तीसरा सरफेस एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। यदि इससे आंसर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो करना क्या है, क्लॉकवाइज वाले रूल को, मतलब डबल डाइस सिंगल सरफेस इक्वल मिला तो क्लॉकवाइज आप घुमा के जो आप टाइप टू में देखे हैं वैसा निकाल लीजिए, सभी आंसर आपके आ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए तीन डाइस दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है तीन का विपरीत अंक क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डबल डाइस वाला रूल अप्लाई करो, डबल डाइस डबल सरफेस। तो आप देखिए ऐसा कौन सा दो डाइस है जिसमें दो अंक समान है, तो आप देखिए वन थ्री, इसमें वन थ्री, इसमें भी देखिए वन और थ्री दिखाई दिया, मतलब तीसरा सरफेस एक दूसरे का हो गया विपरीत, मतलब दो का विपरीत अंक क्या मिल गया आपको, पांच। तो यहां मैं लिख दिया दो का विपरीत मिल गया पांच, आंसर आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब आपको फिर से खोजना पड़ेगा, कोई भी दो डाइस पकड़िए जिसमें आपको यह सर्च करना है कि दो डाइस दो सरफेस इक्वल है क्या। तो देखिए आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो है दो है, तीन है तीन है, दो अंक समान मिले, इसका मतलब क्या हो गया, वन का विपरीत क्या मिला, फोर मिल गया। तो वन का विपरीत आपका क्या हो गया, फोर हो गया। अब दो अंक आपके छूट गए, ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत अंक हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तीन का विपरीत क्या छूट गया बताइए, तीन का विपरीत क्या छूट गया, सिक्स। तो आपका तीन का विपरीत अंक क्या मिला, छह मिला। आइए चलते हैं अगला एग्जांपल। देखिए इसमें चार डाइस दिए हुए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि छह का विपरीत अंक क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दो ही रूल याद रखने हैं, डबल डाइस डबल सरफेस और दूसरा आपका जो है क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि हम इन दोनों को देखें तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये छह दिखाई दिया, ये छह दिखाई दिया, दो दिखाई दिया, दो दिखाई दिया, डबल डाइस डबल सरफेस, मतलब तीसरा सरफेस जो छूट गया वो एक दूसरे का विपरीत हो गया, मतलब तीन का विपरीत क्या मिल गया आपको, चार मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इन दोनों में आप देखिए छह है चार है चार है, इसका मतलब क्या छूट गया, पांच, और यहां कितना, दो, तो दो का विपरीत क्या मिल गया आपको, ये पांच मिल गया। अब मैं बताया था जो दो अंक बच गए वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, इसका मतलब बच गया छह और उसका विपरीत अंक क्या मिल गया, तो आपका छह का विपरीत क्या हो जाएगा, आंसर वन। एक चीज और देखिए, यदि कोई स्टूडेंट इन दोनों को देख लेता है, सपोज इन दोनों को देख लिया पहले ही बार में देख लिया, तो आप देखिए इसमें दो है चार है चार है, इसका मतलब छह का विपरीत क्या मिल गया, एक, तो छह का विपरीत क्या मिल गया, डायरेक्ट एक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।